और यहाँ आपको अपडेट करें, अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के सेशन पर वजारत खारजा का कहना है कि वजीर आज़म 23 से 27 सितंबर तक न्यूयॉर्क में यूएन जनरल असेंबली इजलास के सेशन में शिरकत करेंगे। वजीर आज़म यूएन जनरल असेंबली इजलास में खिताब पाकिस्तान की कसीर उल जहती हिमायत का आदा करेंगे। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद से भी डिटेल्स लेंगे। अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के सेशन पर वजारत खारजा का कहना है वजीर आज़म 23 से 27 सितंबर न्यूयॉर्क में यूएन जनरल असेंबली के सेशन में शिरकत करेंगे और वजीर आज़म आलमी अमन सलामती फलाह बहबूद में अक़वामे मुत्तहिदा के किरदार की हिमायत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर आज़म सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मसला फलस्तीन मसला कश्मीर की अहमियत पर जोर देंगे। वजीर आज़म आलमी इक़्तिसादी ताल्लुकात में नाइंसाफियां दूर करने की जरूरत पर भी जोर देंगे। वजीर आज़म बैनुल अक़वामी मालियाती ढांचे में इस्लाहात की जरूरत पर जोर देंगे। आबो हवा की तब्दीली के मसाइल के खिलाफ वर्जी इकदामात की अपील करेंगे। वजीर आज़म इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान के खिलाफ फौरी इकदामात करने की भी अपील करेंगे।